hello dear students, you are welcome back to my youtube channel. video, uh, Childhood. this film has uh, been taken from uh, your text, hornbill. Uh, it is written by mark snatin, an australian writer and a poet, famous australian writer. जैसा कि इस फोइम uh, का टाइटल है चाइल्डहुड ये बचपन के बारे में है the मोमेंट age एज ऑफ life, लाइफ happiest एंड इनोसेंट एज ऑफ one's लाइफ हमारी एज का जो सबसे बेहतरीन दौर होता है वो यही बचपन होता है और जब ये बचपन ख़त्म होता है बीत जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं फिर बचपन की तरह हम नहीं मुस्कराते हैं फिर बचपन की तरह हम इनोसेंट नहीं रहते हैं हमें बहुत सी चेंज आते हैं हमें बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। कौन कौन सी तब्दीलियां आती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बचपन का दौर खत्म हो चुका है अब हम बड़े हो चुके हैं इस पोएम में मॉक स्नेट ने जो शायर है ये उन्हीं बातों का जिक्र करता है हालांकि दो तीन बातें ये आ, कहता है मगर ही देम इफेक्टिवली पुर असर पुर पुरसर तरीके से बताता है कि हमारा जो दौर है बचपन का दौर है ये कब हमसे छूट जाता है हम कब बड़े हो जाते हैं जैसा कि हमें पता है ये जो चाइल्ड हो, चाइल्डहुड है इट इज द एज ऑफ इनोसेंस इट इज द एज ऑफ हैप्पीनेस ये हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दौर होता है इनोसेंट दूर होता है हमें पता ही नहीं होता है कि बुरा क्या है अच्छा क्या है गलत क्या है ठीक क्या है जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हम उन बातों पर सोचते हैं उन बातों पर हम ध्यान देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इस पुईम में चार स्टेजाज है पहले तीन स्टैंडाज़ में जो शायर है ये हमें कुछ निशाने बताता है जिससे हमें पता चलता है कि अब हम बड़े हो गए हैं हमारे बचपन का जो दौर है वो ख़त्म हो गया है दैट हैज़ बीन सीज्ड ये इख्ताम हो गया है ये चला गया है और लास्ट जो स्टैंज़ा है ये इस स्टैन्जा में ये जो शायर है ये अपने इस खूबसूरत दौर को मिस करता है ही फील इज ने ये अपने उस बचपन के दौर को याद करता है ये चाहता है कि वो दोबारा वो दौर आए लेकिन जो दौर एक बार चला जाता है वो अब वो दोबारा नहीं वापस आता है वो ऐज दोबारा नहीं वापस आती है ना वे वल डिस्कस दिस पोएम लाइन बाई लाइन हम लाइन बाई लाइन इस पोइम uh, को डिस्कस करेंगे पहला स्टैंडा जो है पहले जो लाइन है वेंडेड माई चाइल्ड हुड घो जैसे कि आप देख रहे हो ये तीन जगह चार जगह ये लाइन इस्तेमाल हुई है इस पोइम में और आपको ये, ये बात याद रखनी है कि अगर कोई लाइन कोई फ्रेज़ तो ये बार बार रिपीट होती है उसको हम रिपीटिशन कहते हैं या उसको हम रेफरन भी कहते हैं रिपीटिशन और रेफरेन इसमें दो लाइनज़ है एक तो ये वाली लाइन है दूसरी वाज दैट द डे ये भी तीन बार इस्तेमाल हुई है ये लाइन ये दोनों लाइनज़ रिपीट रिपीट भी हुई है और ये रेफरीन भी है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है आ, कि अगर कोई लाइन कोई फ्रेज रिपीट होती है पोई में तो उसको हम रेफ्रेन कहते हैं दूसरी बात जो आपको याद रखनी है व्हेन डिड माई चाइल्ड हुड गो मेरा बचपन कब खत्म हो गया ये शायर हमसे सवाल नहीं पूछता है ये इस सवाल का जवाब नहीं चाहता है ये खुद इस सवाल का जवाब देता है एंड ए क्वेश्चन दैट इज आस्कड फॉर मेकिंग समथिंग इफेक्टिव नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर एक ऐसा सवाल जो इसलिए पूछा जाता है ताकि किसी चीज़ को आप इफेक्टिव बनाओ असरदार बनाओ इसलिए नहीं पूछा जाता है कि आपको उसका जवाब मिल जाए उस क्वेश्चन को हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं ये जो पहला पहली जो लाइन है इस पोइम की वैंड माई चाइल्ड हुड गो ये एक क्वेश्चन भी है एक सवाल भी है ये भी रिपीट भी होता है और ये इसलिए पूछा जाता है कि किसी चीज़ को पुर असर तरीके से बयान किया जाए दैट मीन्स ये रिटोरिकल क्वेश्चन भी है एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस पोइम लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान पोइम है ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है राइम सिकीम हालाँकि कुछ लाइनज़ में है लेकिन एक वेल डिफाइनड लाइन रिकीम इसमें नहीं है Uh, चारों स्टैंड में अलग अलग uh, uh, कोई राइम स्कीम है ही नहीं कुछ लाइन्स में है वैन डेट माई चाइल्ड हुड को शायर सवाल पूछता है कि मेरा बचपन का दौर कब ख़त्म हो गया कब मैं बड़ा हो गया और ये खुद उसका जवाब देता है वाज इट द डे आई सीज इट टू बी एलेवन सीज मीनज ख़त्म होना क्या मैं उस वक़्त बड़ा हो गया जब मेरे उम्र के गहरा साल ख़त्म हो गए जब मैं बारहवें साल में दाखिल हो गया हालांकि ये जो इंसान की जो थ्री स्टेज ऑफ लाइफ है एक तो है इनफैंसिया जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं दूसरा है, है मैनहुड या अडल्टुड जिसको हम कहते हैं तीसरा है, है ओल्ड एज इन तीनों एज में कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है कोई डेफिनेट स्टेज नहीं है कोई डेफिनेट ईयर नहीं है जिससे हम कहें यहाँ से यहाँ तक ये यह बचपन है यहाँ से यहाँ तक ये यह मैनहुड है यहाँ से यहाँ तक ये ओल्ड एज है कोई एक फिक्सड लाइन नहीं है वाज द डे आई सीज टू बे अलेवन क्या ये उस वक्त हो गया क्या मेरा बचपन उस वक़्त ख़त्म हो गया जब मेरे उम्र के ग्यारह साल अख्ताम पज़ी हो गए ख़त्म हो गए वाज इट द टाइम आई रियालाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नाट बी फाउंड इन जियोग्राफी क्या मेरे बचपन का दौर उस वक़्त ख़त्म हो गया जब मैंने जाना जब मैंने समझा ये जो जन्नत और जहन जन्न है दे आर नॉट फाउंड इन जियोग्राफी ये तो जियोग्राफी में है ही नहीं ये तो नक्शे में है ही नहीं ये तो इस दुनिया में है ही नहीं एंड एयर could not बी आई रियलाइज it दैट दिस हेल एंड heaven आर imaginary थिंग्स एंड दे आर not फाउंड इन रियल वर्ल्ड क्या यही समझदारी यही रैशनलिज्म यही अक्लमंदी जब मुझ में आ गई जब मैंने सोचना शुरू कर दिया क्या उसी वक्त मेरा बचपन खत्म हो गया अब तक अब तक मैं ये समझता था कि जानना जान नाम जो मुझे बोला जाता था मैं बिल्कुल उस पर यकीन करता था लेकिन अब मैं समझदार हो गया अब मैंने समझा ये जो हैल एंड है दे आर फाउंड इन जियोग्राफी ये तो जियोग्राफी में है ही नहीं फोर कुटानी और मुझे लगता है कि अब ये तो है ही नहीं दीज आर imaginary थिंग्स वॉज दैट द डे जब मुझ में ये रैशनलिज्म ये जो अक्ल शूर जब मुझ में आ गई जब मैंने सोचना शुरू कर दिया क्या यही वक्त था जब मेरे बचपन का दौर खत्म हो गया इस स्टैंडा में ये रैशनलिज्म की बात होती है जैसे मैंने बार बार ये वर्ड इस्तेमाल किया है समझदारी या अक्लमंदी जब हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में उस तरह सोचते हैं जिस तरह हम हमारे बड़े नहीं सोचते हैं शायर को लगता है यही वक्त है कि जब इंसान का बचपन उससे ख़त्म हो जाता है नाउ द सेकेंड वन डेड माई चाइल्ड हुड गो वही सवाल फिर मेरा बचपन का दौर कब खत्म हो गया क्या मेरे बचपन का दौर उस वक्त खत्म हो गया जब मैंने अपने बड़ों की हकीकत को समझा जब मैंने जाना ये जो बड़े मुझे दिख रहे हैं ये ऐसे नहीं है जैसे मैं उनको देख रहा हूं ये लोग तो ऐसे नए है, है ही नहीं दे आर डिफरेंट they say something and do something. They preach something but practically do something. They look something but they are actors, they are jo kaam hai, jo unka bartao hai, wo alag hai. वो कहते एक बात है लेकिन करते दूसरी बात है they टॉक ऑफ love and प्रीच ऑफ love. हालांकि ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं बट डि नॉट एक्ट सो लाउंगी लेकिन प्रैक्टिकली ये नफरत करते हैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं किसी से वाज देट दे क्या यही वक्त था जब मैंने लोगों की हकीकत को समझा मैंने जब लोगों के दुगले पन को जाना जांचा जब मुझे ये पता चला कि जो लोग है जो मुझे दिख रहा है वो सही नहीं है वो सब गलत है क्या वही वक्त था जब मेरा बचपन का दौर में से खत्म हो गया was that, the day? इस में ये जो शायर है ये हिपोक्रेसी की बात करता है ये जो बड़े है जो हमें बचपन में बिल्कुल अच्छे लगते हैं हमें लगता है कि सभी नेक है सभी अच्छे है सभी मेरा बड़ा सोचते हैं लेकिन जो जो हम बड़े हो जाते हैं हमें उनकी हकीकत समझ में आती है हमें उनकी हिपोक्रेसी का पता चलता है वी नो अबाउट दियर हिपोक्रेसी हमें उनकी आ, उनके दुगलेपन का उनकी आ, रियाकारी का उनकी मकारी का उनकी बनावटी दुनिया का पता चलता है और जब हम उनकी हकीकत जानते हैं तो हमारा बचपन ख़त्म हो जाता है हमारा हमारी जो इनोसेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है और हम बड़े हो जाते हैं नंबर दर्ड वन वन डेड माई चाइल्ड हुड गो मेरा बचपन कब ख़त्म हो गया वाज इट वैन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइंड क्या ये उसी वक़्त खत्म हो गया मेरा बचपन जब मैंने अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया अपने ज़हन से सोचना शुरू कर दिया अब तक मैं वही करता था जो बाकी मुझे कहते थे जो मेरे बड़े मुझे कहते थे जो पेरेंट्स मुझे कहते थे जो मेरे बड़े भाई बहन अंकल्स ऑंट्स या जो मेरे जो बाकी बड़े जो रिश्तेदार होते थे वो जो कहते थे मैं वही करता था लेकिन अब मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ वे आई चूज अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो और जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ मैं दूसरे के कहने पर कोई काम नहीं करता हूँ जो मुझे बाकी कहे मैं वो काम नहीं करता हूँ जो मुझे दिमाग में लगता है कि अच्छा है ये ठीक है मैं ये करना चाहता हूँ मैं वही करूँ मैं वही करता हूँ मैं खुद अपने डिसीजनस लेता हूँ प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वेर नाट दउ अदर पीपल अब मैं दूसरों के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता हूँ अब मैं दूसरों के कहने के मुताबिक अपने फैसले नहीं लेता हूँ अब मैं वो नहीं सोचता हूँ जो बाकी सोचते हैं मैं अब इनडिपेंडेंट बन गया हूं अब मैं एक अलग से सोचता हूँ इसमें ये जो, इस ये जो बयान की गई है अब मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गया हूँ और जब मैं जब मुझ में ये इंडिविजुअलिटी आती है जब मैं अलग बन जाता हूँ मुनफरिद बन जाता हूं बाकी से अलग हो जाता हूँ सोचता हूँ तो मेरे बचपन का दौर खत्म हो जाता है एंड नाउ द लास्ट स्टेंडर जैसे कि मैंने अभी पहले कहा ने फीलिंग इसमें है द पोइट मिसिज हिज चाइल्ड हुड ये उस दौर में फिर जाना चाहता है लेकिन जो दौर जो वक्त एक बार गुजरता है वो दोबारा नहीं आता है वाई डिड मई चाइल्ड हुड गो इट वेंट सम टन प्लेस मेरा बचपन कहाँ गया किसी ऐसी जगह वो छुप गया है किसी ऐसी जगह जा चुका है जो मैं भूल चुका हूँ अब फॉर कॉटन प्लेस जिस जगह को मैं भूल चुका हूँ दैट इज हिडन इन एन इनफेंटस प्लेस प्लेस वो बचपन का दौर एक छोटे बच्चे के चेहरे में होता है

दैट इज ऑल आई नो मैं बस यही जानता हूं ये जो बचपन का दौर होता है ये हमारी छोटी उम्र का दौर होता है ये अब नहीं आएगा ये अब हमसे चला गया है ये ये अब हमसे चुप गया है एंड आई मिस दैट पीरियड was the summary of this poem, Childhood, written by माई मॉकसन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने बया बयान किया है ये जो बचपन है ये किस तरह हमसे छूट जाता है कौन सी निशानियाँ है जो हम में जाहिर होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो बचपन का दौर है ये अब हमसे ख़त्म हो चुका है एन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस एन द पोम टल दैट गुड बाय